लड़की थी वो कहीं ना कहीं ढूंढ ली गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, पुलिस ने लड़की को आखिरकार ढूंढ निकाला है। दरअसल ये मामला पूरा कासगंज का था, जहां पर पुलिस कस्टडी में अल्ताफ नाम के शख्स की जान चली गई थी। उसने खुदकुशी कर ली थी, ऐसा पुलिस का कहना है, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है कि उसने खुदकुशी की थी या उसकी हत्या हुई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल अल्ताफ पर यह आरोप लगा था कि उसने लड़की को भगाया है और फिर पुलिस उसे उठाकर लेकर गई है और उसी कस्टडी में उसकी मौत हो गई। लेकिन अब सामने आया है कि जो लड़की है उसे सकुशल ढूंढ लिया गया है, लड़की मिल चुकी है। यह भी सामने आ रहा है कि जो अल्ताफ का दोस्त था, अल्ताफ ने उसके साथ उसे रवाना किया था। यानी कि यह पूरा जो मामला है वो दो एंगल नहीं है, ट्रायंगल होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी यही अपडेट है कि अल्ताफ पर जो लड़की को अगवा करने का आरोप लगा था वो लड़की अब पुलिस ने ढूंढ ली है। सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, अब कहीं ना कहीं साफ हो पाएगा। क्योंकि पुलिस की जो थ्योरी थी वो किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। पुलिस की थ्योरी ये थी कि 5 फुट 6 इंच का लड़का अल्ताफ और फिर जो टोंटी थी, जो नल था, वो सिर्फ 2 फीट का था, तो कैसे वो फांसी लगा सकता है। हालांकि अगर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हम बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से ये पूरा मामला सामने आया था, लेकिन पुलिस उसके बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि जानबूझकर उसके बेटे को उठाया गया और पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर पहले तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया, फिर उसे खुदकुशी करार दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कासगंज से मिल रही है, जहां पर पुलिस कस्टडी में अल्ताफ की मौत का एक पूरा मामला जिसमें नया एंगल देखने के लिए मिल रहा है। यह एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें 3 नाम सामने आ रहे हैं, एक अल्ताफ, दूसरा उसका दोस्त और तीसरी वो लड़की जिसके अगवा करने के जुर्म में अल्ताफ को अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी है कथित तौर पर। ऐसा हम नहीं कह रहे, क्योंकि खबरों की माने तो अल्ताफ ने खुदकुशी की है, क्योंकि पुलिस भी ये कह रही है, पोस्टमार्टम में भी ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, हत्या की साजिश बता रहा है। तो ये वो तस्वीरें आपके सामने, इस टोंटी से अल्ताफ ने खुदकुशी की थी ऐसा बताया जाता है। 5 फुट 6 इंच का लड़का, 2 फीट की टूटी और उसने खुदकुशी कर ली जिसमें उसकी जान चली गई। पुलिस का यह भी मानना है कि जब वो पहुंचे तो अल्ताफ की सांसें चल रही थी, तो तुरंत अस्पताल में उसे लेकर गए, लेकिन जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कासगंज से मिल रही है, जहां पर इस केस में नया मोड़ सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि अपने दोस्त के साथ लड़की को उसने रवाना किया था, यानी कि उसने अगवा नहीं किया लड़की को, अपने दोस्त के लिए शायद वो लड़की को बुलाकर लेकर गया था। ऐसी कहानियां जो हैं वो कथित तौर पर बताई जा रही हैं। जो लड़की है वो मथुरा से ढूंढ निकाली गई है, यानी कि कासगंज से मथुरा बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन पुलिस को भी काफी समय लग गया। परिवार ने आरोप लगाया कि अल्ताफ लेकर भागा है, लेकिन जो लड़का है उसके साथ वो कोई और ही नजर आ रहा है। जो भी अपडेट होगा वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल मथुरा से लड़की ढूंढ निकाली गई है।